सर ईद मुबारक भाई जान, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। पूजा यू क्लिकिंग क्या? एक दफे पीछे देख लीजिए, बहुत देर से आपको बुला रहे हैं। बस ऐसे ही बैठे पहले रेडी रोलिंग 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 चलो सर प्लीज ईद मुबारक। सबसे पहले हमारी तरफ से हाँ बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और देश भर में सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि ये दिन हम सब खुश रहें और ये साल हमारा अच्छा बीते। हमें सर कैसी रही दिन की शुरुआत और आज सुबह से क्या चलन चला घर में, ज़रा अगर आप जिक्र करें। अभी तो मैं पहुंचा हूँ अम्मी के यहाँ अम्मी से मिलने के लिए, लेकिन मैं एक्चुअली आज की नहीं, मैं कल की बात बताना चाहूँगा आपको। जी। मैं कल शाम को मैंने सुल्तान देखी। अरे वाह। और बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे, मतलब इतनी कमाल की फिल्म बनाई है अली अब्बास ने। आपने देखी? मैंने देखी ना, बहुत मतलब मुझे तो बहुत पसंद आई वो फिल्म। सर प्लीज आप बोलिए। तो सुल्तान मैंने कल देखी और मुझे इतनी पसंद आई, बेहद पसंद आई, मतलब कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, डायरेक्शन, हर आर्टिस्ट का जो परफॉर्मेंस है, सलमान ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया है, अनुष्का ने इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया, हर एक आर्टिस्ट ने अच्छा काम किया है। एक जो हम मेन स्ट्रीम फिल्म से उम्मीद रखते हैं वो सारी चीज़ें हमको इस फिल्म में मिलती हैं और मैं हंसा भी, रोया भी और बहुत मैंने इन्जॉय किया। तो ये ईद के दिन हम सबको ये गिफ्ट मिला है सलमान साहब से और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और अगर कोई फिल्म पीके का रिकॉर्ड तोड़ सकती है तो वो ये है सुल्तान। मैं परसों फ्री नहीं था, हाँ मैं कल रात को गया, मैं 10 बजे रात को देखा मैंने। और कल सलमान भी नहीं दिखे आपके साथ स्क्रीनिंग पर? हाँ मैं सेंटर लुक दूंगा, यहाँ से सुनूंगा मैं सेंटर। हाँ सलमान नहीं दिखे आपके साथ स्क्रीनिंग पर? नहीं सलमान तो नहीं थे, लेकिन उनपे उनके साथ मेरे फ़ोन पे मेरा संपर्क था तो मैं उनको बता रहा था मुझे कैसी लगी और वो बड़े खुश हुए कि मुझे अच्छी लगी ये फिल्म। मतलब अच्छी तो बहुत मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इट्स अ आउटस्टैंडिंग फिल्म, मतलब इट्स द फिल्म बहुत बहुत उम्दा, मतलब सलमान ने इतना अच्छा किरदार में रह के इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जो हम एक अच्छे आर्टिस्ट से उम्मीद रखते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, एक स्टार से जो उम्मीद रखते हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। गाने इतने खूबसूरत हैं, रोमांस इतना खूबसूरत है, ओवरऑल इतना अच्छा मुझे लगा वो, मतलब बहुत ही बढ़िया फिल्म, दिल खुश हो गया मेरा। आप अपने दंगल के अपने को-स्टार्स मतलब जब ऑन स्क्रीन बेटियां उनके साथ आप गए थे कल? हाँ हाँ वो भी थे मेरे साथ। उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा? उनको भी बहुत पसंद आई, उनको भी बहुत पसंद आई फिल्म जी। सभी मतलब मेरे फैमिली के बहुत लोग थे, हम लोग करीब 20-30 लोग थे, सलमान साहब ने हमारे लिए स्क्रीनिंग रखी थी और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। बजरंगी भाईजान अलग फिल्म है, ये अलग फिल्म है, फिल्मों को ऐसे कंपेयर करना मुश्किल होता है। बजरंगी भाईजान अपने आप में खूबसूरत फिल्म है, सुल्तान अपने आप में खूबसूरत फिल्म है और दोनों ही बहुत ही बढ़िया फिल्म है। ईद एक ऐसा दिन होता है जब मैं अपने फैमिली से मिलता हूँ, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, दिन भर हम साथ गुजारते हैं। और जब मैं छोटा था तब तो हमें ईदी में बड़ी इंटरेस्ट थी, ईद से ज़्यादा हमको ईदी में इंटरेस्ट थी, लेकिन अब मुझे ईदी देनी पड़ती है। तो हमें लास्ट ईयर भी जब ईद का दिन था तो आप घर से निकले थे और रात शाम में आपने बजरंगी भाईजान शायद देखी। हाँ हाँ यू आर राइट। तो लास्ट ईद मैंने बजरंगी भाईजान देखी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी थी और इस ईद हम ये सुल्तान देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप। आज़ाद और किरण तो है ही नहीं इस साल, वो दोनों घूमने गए हैं यूरोप। किरण की मम्मी डैडी, किरण, आज़ाद सब यूरोप घूमने गए क्योंकि आज़ाद की छुट्टियां हैं इस वक्त, स्कूल की छुट्टियां हैं और मैं काम में मसरूफ़ था तो मैं नहीं जा पाया। तो इस साल किरण जी नहीं है हमारे साथ ईद में। तो
तो सर कुछ आपने स्पेशल ईदी रखी है आज़ाद के लिए? नहीं, आज़ाद के लिए कोई स्पेशल ईदी तो नहीं रखी है। आज़ाद को मैं बस 2 रुपये देता हूँ ईदी, ज़्यादा बिगाड़ना नहीं उसको। ये इमरान का कहना है? अरे इमरान की बात आप कहाँ मान रहे हैं यार। इमरान की बात पे इतना भरोसा मत करिए। अरे दंगल तो अभी 6 महीने बाद आ रही है। नहीं, मैं अपनी अपनी फिल्मों को कभी किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ। हर फिल्म अपनी जगह होती है, हर फिल्म की अपनी अलग कहानी होती है। जब मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि मुझे वो फिल्म कितनी पसंद आई, और चाहे वो मुझे पसंद आए या ना पसंद आए तो मैं उसको अपनी फिल्म से कभी कंपेयर नहीं करता हूँ। हर फिल्म अपनी जगह अलग होती है। जहाँ तक सुल्तान का सवाल है, इट इज़ आउटस्टैंडिंग, मतलब कहीं भी मुझे कोई कमी नज़र नहीं आई। इट्स वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी मूविंग। सेकेंड हाफ में मैं बहुत रोया, जगह जगह पे हंसा, जगह जगह पे रोया। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, वेरी मूविंग फिल्म, वेरी इंस्पायरिंग फिल्म। आई जस्ट लव्ड इट, नो अदर वर्ड्स, आई जस्ट लव्ड इट। अरे बाप रे, वो आप लोग तो टॉवल को लेकर शुरू हो गए थे, इसमें भी रोया हूँ। वो आप बेफिक्र रहिए, मैं हर फिल्म में रोता हूँ। तो भैया मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, तो इसमें भी मुझे बड़ी इमोशनल फिल्म लगी। आपकी बात हुई सलमान से? हाँ, सलमान को मैंने टेक्स्ट किया, मैंने रात को ही टेक्स्ट किया। मैं बोला यार बहुत भयंकर फिल्म बनाई है आपने, और ये फिल्म मतलब पीके का रिकॉर्ड तोड़ेगी, सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। दैट इज माई प्रिडिक्शन। एंड ऑल द सक्सेस दैट दिस फिल्म गेट्स, इट डिजर्व्स। इट्स अ वेरी गुड फिल्म। आमिर, जब सलमान का लंगोट लुक आउट हुआ था, तब कहीं ना कहीं फैंस आपके पीके लुक को और सलमान के लंगोट लुक को कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि वैसे कुछ कंपैरिजन है? नहीं नहीं, सलमान और मुझ में कोई कंपैरिजन नहीं, वो मुझसे बहुत बड़े स्टार है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। तो कोई लंगोट का तो ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि किरण, हाँ जी 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 जी, और बहुत टूरिज्म हो रहा है और बहुत सारे धर्म इसको बढ़ावा दे रहे हैं जी। मुंबई के फेमस इस्लामिक टीचर है देखिए, जो आतंकवाद फैलाते हैं और जो लोग आतंकवाद करते हैं उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं होता, ये मेरा मानना है। फिर वो किसी भी मजहब के हों, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जो लोग लोगों को मारते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कितना भी कहें कि हम मजहब के लिए कर रहे हैं, उनका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर वो मजहब को एक्चुअली फॉलो करते तो मजहब तो हमको प्यार सिखाता है। देखिए, इस सब में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। देखिए, जो हिंदुस्तान का कानून है उसको हमको फॉलो करना चाहिए, और क्या। आमिर, आज ईद के दिन पर क्या आप सलमान से मिलने जाएंगे या शाहरुख से मिलेंगे आज ईद के दिन? मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ, मैं ईद के दिन फैमिली के साथ ही रहता हूँ। सर, तो ऐसा होता है कि कहीं बिरयानी ऐसी जगह और तीनों के तीनों उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई। नो नो, आई एम जस्ट नो फिल्म, जस्ट लाइक दैट। बिरयानी कभी कभी एक्सचेंज होती भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ईद के दिन होती है। Okay. किसी और दिन भी होती है। शाहरुख और सलमान आजकल बहुत साइकिल चला रहे हैं, हम सलमान के साथ आपको कब देखेंगे? आपको? अरे मैं तो उनको मिलते रहता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, ईद मुबारक।